बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना का इंडस्ट्री में हमेशा से ही एक अलग पहचान रहा है। एक तरफ राजेश खन्ना की फिल्में लगातार हिट हो रही थी, वहीं दूसरी ओर दिन प्रतिदिन उनके फैन फॉलोइंग की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना का इंडस्ट्री में हमेशा से ही एक अलग पहचान रहा है। एक तरफ राजेश खन्ना की फिल्में लगातार हिट हो रही थी, वहीं दूसरी ओर दिन प्रतिदिन उनके फैन फॉलोइंग की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना का क्रेज ऐसा था कि वे उनकी फोटो साथ रखकर सोती थीं। जब वो गाड़ी से निकलते तो कार के शीशे पर किसके निशान से भर जाते थे। फैंस के बीच राजेश खन्ना की ऐसी दीवानगी थी कि हर कोई बस उनकी एक झलक पाने को बेताब रहता था। शायद यही वजह थी कि राजेश खन्ना थोड़े घमंडी हो गए थे। वह अपने से आगे किसी और को जाते नहीं देख सकते थे। कहा जाता है कि जब वह किसी एक ट्रेस से इसके साथ फिल्म की शूटिंग करते थे तो उनकी कोशिश होती थी कि वे एक ट्रेस उनकी इज्जत करें और सभी बात माने। स्टारडम हासिल करने के बाद राजेश खन्ना सेट पर देर से आते थे और अपने जूनियर्स की बेइज्जती कर देते थे। एक बार राजेश खन्ना ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी सरेआम बेइज्जत कर दिया था। दरअसल फिल्म के शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन जया से मिलने पहुंचे तो राजेश खन्ना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बीबी को डांटना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन उन दिनों अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और जया से दोस्ती की वजह से वे अक्सर उनसे मिलने आ जाया करते थे। वहीं राजेश खन्ना की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कल का आया कोई लड़का उनकी एक ट्रेस से यूं ही मिलने चला आए। हालांकि राजेश खन्ना को जया ने उसी समय इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, आप जिसे आज इतना भला बुरा कह रहे हैं, देखना एक दिन वो इस इंडस्ट्री पर राज करेगा। जया की यह बात सच साबित हुई और आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह कहलाते हैं।